पंछियों की तरह है उड़ान भरते ये बच्चे शिक्षा के आकाश में नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक लंबे मंथन के बाद संविधान ने आखिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित कर दिया। ये कानून देश के उन लाखों बच्चों की आवाज को मजबूती देता है जो शिक्षा के दौर तक नहीं पहुंच सके। बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और बच्चों को शाला तक पहुंचाने के लिए कानून ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और शिक्षकों के साथ शाला प्रबंधन समितियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां तय की हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, अगर बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते तो शिक्षा को उन तक पहुंचाओ। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के अभियान में मध्य प्रदेश सरकार पूरी संजीदगी के साथ अधिनियम के क्रियान्वयन में जुटी है। शाला प्रबंधन समिति इस कानून की सबसे अहम कड़ी है जो इस अधिनियम की बुनियाद है। शाला प्रबंधन समिति यानी समुदाय की भागीदारी। शाला प्रबंधन समिति ही सुनिश्चित करती है बच्चों का शालाओं में 100% नामांकन हो, बच्चों का शाला में ठहराव हो, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, शाला अधोसंरचना के साथ शिक्षकों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए। जबलपुर और उज्जैन दो संभागों की शाला प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आईसेक्ट को दी गई है। आईसेक्ट गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दो संभागों के 13 जिलों के 93 ब्लॉक के लगभग 2,64,000 सदस्यों का प्रशिक्षण एक बड़ा काम था। इस सघन प्रशिक्षण के लिए पूर्व में तैयारियां की गईं। एक कोर ग्रुप का गठन किया गया जिसमें प्रशिक्षकों के साथ कोऑर्डिनेटर्स को भी शामिल किया गया। आईसेक्ट का पिछला काम देखते हुए और हमारा मध्य प्रदेश में रीच देखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा हमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शाला प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण कराने का कार्य दिया गया। ये प्रोजेक्ट की अवधि करीबन 3 महीने थी, 1 अप्रैल 2012 से लेके 30 जून 2012 तक। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यह था कि समुदाय को किसी तरीके से स्कूल मैनेजमेंट और एजुकेशन सिस्टम में लेके आना, जिससे जो बेसिक उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का वो पूर्ण हो सके। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो गठन है वो RTE जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास हुआ है उसके अंतर्गत हुआ है, और इसी के बारे में समुदाय को अवगत कराना, उनके अधिकार उनकी जिम्मेदारियाँ क्या है यह उन तक पहुँचाना, यह बेसिक एम था इस प्रोजेक्ट का। प्रशिक्षण को दो हिस्सों में बांटा गया, पहला चरण आईसेक्ट मुख्यालय पर और दूसरा चरण जबलपुर और उज्जैन संभागों के ब्लॉक स्तर पर। TOT के लिए दोनों संभाग से आए 800 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया। 27 अप्रैल 2012 से 28 अप्रैल 2012 तक जबलपुर संभाग, 30 अप्रैल 2012 से 1 मई 2012 तक जबलपुर संभाग और 2 मई 2012 से 3 मई 2012 तक उज्जैन संभाग, 4 मई 2012 से 5 मई 2012 तक उज्जैन संभाग। उज्जैन और जबलपुर इन संभागों के इन ब्लॉकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
तो ये थे उज्जैन और जबलपुर संभाग के वे ब्लॉक जहां पर शाला प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संयोजित और आईसेक्ट द्वारा आयोजित शाला प्रबंधन समिति का ये प्रशिक्षण आईसेक्ट के उन प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया जिन्हें इस कार्य का लंबा अनुभव है। जैसा मैंने बताया, 3 महीनों में से 1 महीना जो था वो हमने सोचा कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा इस प्रोजेक्ट का, उस बारे में डिवोट करें, और इसलिए 1 महीना हमने प्लानिंग फेज़ रखा, जिसमें बेसिकली कोर कमिटी का गठन हुआ और उसके साथ साथ हमने जो भी कंटेंट मटेरियल किट थी उसको भी डेवलप किया। इस पर काफ़ी वर्कशॉप्स हुई और जो कोर कमिटी के मेंबर थे जिनके पास पुराना काफ़ी एक्सपोजर था एजुकेशन फील्ड को लेके, उन्होंने काफ़ी इसमें हेल्प करी और बहुत सारे नए चीज़ें भी इस कंटेंट में जोड़ी। और यह TOT बेसिकली 800 ट्रेनर्स जो कि नीचे जाके ब्लॉक लेवल पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ट्रेनिंग देंगे वो थे, और यह करीबन 8 पर ब्लॉक चूज़ किए गए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स द्वारा ही, और इस तरीके से 800 लोगों का TOT करवाया गया। कार्यशाला के पहले दिन की शुरुआत प्रतिभागियों के पंजीयन और किट वितरण से हुई। बड़े ही रोचक तरीके से प्रतिभागियों का परिचय हुआ। संकोच और झिझक के दायरे से प्रतिभागियों को बाहर लाने के लिए प्रेरक गीतों का सहारा लिया गया। बेटी जब पढ़ने लगे खोले मन की गांठ, नील गगन में उड़ चले देखो उसके ठाठ, किस्सों की है पोटली ज्ञान की बंधनवार, बेटी से ही सज रहा घर आंगन परिवार। संवाद स्थापित करके माहौल को खुशनुमा बनाया गया। प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र को पार्टिसिपेटरी रखा गया। मध्याह्न पूर्व के सत्र में चाहा गया स्कूल इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य था अधिनियम की जानकारी के लिए माहौल तैयार करना, शाला प्रबंधन समिति को टीम भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित करना और स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करना। दोपहर भोजन के बाद अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें इन विषयों को शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बच्चों का स्कूल में 100% नामांकन, किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल करने पर प्रतिबंध, बच्चों को शारीरिक दंड देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर प्रतिबंध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षकों को शिक्षण कार्य में ही लगाना, स्कूल की देखरेख और प्रबंधन का दायित्व शाला प्रबंधन समिति को सौंपना, शाला में मध्याह्न भोजन, पेयजल व्यवस्था और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था करना, शिक्षा को रुचिकर बनाना, छात्र और शिक्षक अनुपात का निर्धारण करना, भी ऐसे कुछ मुख्य बिंदु हैं जो अधिनियम को सशक्त बनाते हैं। प्रस्तुतिकरण के समय सभी बिंदुओं पर प्रतिभागियों से चर्चा की गई। टी ब्रेक के बाद बालिका शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के माध्यम से विचार विमर्श हुआ। इस चर्चा में ये बिंदु शामिल थे: स्कूल से बाहर बालिकाओं की सामाजिक स्थिति, बालिका शिक्षा क्यों, और शाला प्रबंधन समिति के दायित्वों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्रबंधन समिति का सबसे मुख्य दायित्व है कि वो प्रतिमाह अपनी मीटिंग अनिवार्य रूप से करे, उस मीटिंग की सूचना सभी सदस्यों को दे, पालकों को भी उस मीटिंग की सूचना दे कि हम इस दिन अपनी मीटिंग रख रहे हैं, आप लोग भी आइए, जिससे आप लोग अपने बच्चों की प्रगति के संबंध में, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में, शाला में सुविधाएं मिल रही हैं उनके संबंध में जानकारी ले पाएंगे। जिन मुद्दों पर इस सत्र में चर्चा की गई वे हैं: शाला प्रबंधन समिति का गठन, समिति की संरचना, समिति के उत्तरदायित्व और कर्तव्य, समिति की मॉनिटरिंग कैसे हो, समिति के कार्य, शाला निधि और उसका उपयोग। प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण सत्र और था जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर केंद्रित था, यानी
बेबच्चे जो विकलांग हैं। प्रशिक्षण के दूसरे दिन की शुरुआत भी प्रेरणादायक गीतों के साथ हुई। ज्ञानी ध्यानी पंडित जोगी सारे कह कह हारे, सारे कह कह हारे, ज्ञान सभी को राह दिखाए, ज्ञान ही भाग संवारे। पुस्तक आई तेरे द्वार, इसमें भरे ज्ञान के भंडार, ज्ञानी ध्यानी। और साथ ही प्रतिभागियों ने बालिका शिक्षा पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया। गीत संगीत के बाद पहले दिन के सभी सत्रों पर संक्षेप में चर्चा की गई। दूसरे दिन मध्याह्न पूर्व में जिन विषयों पर चर्चा की गई वे हैं, बच्चों का नामांकन, बच्चों का शाला में ठहराव कैसे हो, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, शाला निधि और शाला विकास योजना। शाला विकास योजना का सत्र लंच के बाद भी जारी रहा। प्रतिभागियों के समूह बनाकर इस विषय पर चर्चा की गई। ट्रेनिंग के दौरान राज्य शिक्षा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अमिताभ अनुरागी और आर के तिवारी ने भी प्रशिक्षणार्थियों से बात की और प्रशिक्षण का अवलोकन किया और शाला प्रबंधन समिति के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने प्रशिक्षण की उपयोगिता और प्रतिभागियों की भूमिका पर अपनी बात रखी। आईसेक्ट के श्रोत व्यक्तियों और प्रतिभागियों ने अनुशासित होकर पूरी रुचि के साथ अधिनियम के सभी मुद्दों पर सघन प्रशिक्षण दिया और लिया। सबसे मजेदार बात यह रही कि किसी भी सत्र को बोझिल नहीं होने दिया, हर एक सत्र को रोचक बनाए रखा गया। हमने चार बिंदुओं के तहत जो विकास योजना बनाई है, मैं उसकी रूपरेखा आपके सामने रखना चाहता हूँ। संज्ञानात्मक, पहली हमने जो रूपरेखा बनाई है वो संज्ञानात्मक है, जिसके तहत हमने सीखने का वातावरण इस बिंदु के ऊपर अपनी कार्य योजना बनाई है। इसमें हमने लिया है उत्साही एवं प्रेमपूर्ण भाषा का प्रयोग करना। प्रशिक्षणार्थियों के भोजन पर विशेष ध्यान दिया गया। ट्रेनिंग के समापन सत्र में प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण पत्र के साथ शिक्षा प्रेरक गीतों की एक ऑडियो सीडी और प्रेजेंटेशन की सीडी भी दी गई। आईसेक्ट द्वारा तैयार की गई ऑडियो सीडी में गीतों के साथ साथ अधिनियम के मुख्य मुख्य प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध है। मुख्यालय छोड़ने से पहले 93 ब्लॉक से आए ब्लॉक समन्वयकों के साथ एक मीटिंग की गई, जिसमें बताया गया ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कैसे आयोजित किया जाए, किन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाए और प्रबंधन कैसा हो, और प्रशिक्षण समाप्ति के बाद रिपोर्टिंग कैसे करें। प्रशिक्षण लेकर सभी निकल पड़े एक नए सफर पर। यहीं से शुरू होता है प्रशिक्षण का सिलसिला। अपने अपने जिलों के ब्लॉक स्तर पर एक नए प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करने, जहां वे खुद होंगे श्रोत व्यक्ति और उनके स्थान पर होंगे शाला प्रबंधन समिति के सदस्य। मेरा नाम गोपाल सिंह कुमावत है, मैं संजय नगर देवास से आया हूं। इस प्रशिक्षण से पता चला है समिति का गठन, आरटी कानून क्या है, और आगे भी हमें नॉलेज मिलता रहेगा। हमारे बच्चे मोहल्ले के सभी को स्कूल पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शाला प्रबंधन समिति के इन्हीं सदस्यों को उठानी है बच्चों को शाला तक पहुंचाने और शालाओं के संचालन की जिम्मेदारी। हमारे यहाँ स्कूल में लगभग 65 बच्चे अध्ययनरत हैं, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, और शाला की एसएमसी बनी हुई है, और एसएमसी के द्वारा हम सारे स्कूल के जो भी हैं कार्यक्रम वो संचालित करते हैं। इसके अलावा मध्याह्न भोजन समय पर दिया जाता है, और जो नया मेनू आया है अभी उसके अनुसार ही बच्चों को खाना दिया जाता है। जो भी बच्चे हमारे यहाँ अगर नहीं आते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो हम उनके पेरेंट्स को एसएमसी के माध्यम से और शाला प्रबंधन समिति पूरी इसके माध्यम से लेटर पहुँचाते हैं। मुख्यालय से प्रशिक्षित श्रोत व्यक्तियों ने ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षण को
पूरी संजीदगी के साथ अंजाम दिया। जून 2012 तक सभी ब्लॉकों पर प्रशिक्षण प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। मैं हेमंत बख्शी, आईसेक्ट जिला प्रबंधक देवास। यहाँ पर हम देवास ब्लॉक में एसएमसी की ट्रेनिंग पिछले कई दिनों से करवा रहे हैं। ये ट्रेनिंग चालू हुई थी 7 मई 2012 को। इस ट्रेनिंग में सबसे उल्लेखनीय कार्य यह हुआ कि सदस्य जो है उन्हें तैयार किया गया कि वो ट्रेनिंग में शामिल हो। इसके लिए हमारे डीपीसी महोदय श्री पांडे जी, उन्होंने विशेष रूप से पत्र निकाला सभी सचिवों के नाम, प्रधानाध्यापक हर्षाला के, कि वे अपने सदस्यों को प्रेरित करें और अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग में लेकर आए। मैं डॉक्टर श्रीमती रानी व्यास, शासकीय प्राथमिक विद्यालय इटावा में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। ये विद्यालय परिवेश को बनाने में और जो आरटी के प्रमुख लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में एक मील के पत्थर साबित हुए हैं। इन लोगों का हमारे विद्यालय में बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमको आपके विद्यालय कार्य प्रति माह बैठक ली जाती है और विशेष अवसरों पे जैसे प्रवेश उत्सव है या कोई जयंतियाँ हैं या बाल मेले का आयोजन होता है उस समय पर भी विशेष रूप से बैठक बुलाई जाती है। उसमें प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जो समस्याएं रहती है उनसे पालकों को अवगत कराया जाता है और जो विद्यालय के हित में जो विकास कार्य होते हैं या जो अन्य मदों से जो सहयोग प्राप्त होता है उनसे भी पालकों को अवगत कराया जाता है। मुख्यालय और ब्लॉक स्तरों पर आयोजित सफल प्रशिक्षणों पर आईसेक्ट ने सतत मॉनिटरिंग की। यही नहीं, प्रशिक्षणों की समाप्ति के बाद 5 जुलाई 2012 को मुख्यालय पर सभी जिला प्रबंधक और ब्लॉक प्रबंधकों को बुलाकर एक प्रशिक्षण संबंधी रिव्यू मीटिंग की गई। सबसे फीडबैक लिया गया ताकि अपने सफल प्रयासों को और बेहतर बनाया जा सके और यदि कहीं कोई कसर है तो उसके कारणों की तलाश की जाए। आईसेक्ट अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति बेहद संवेदनशील और सजग है। इन्हीं ईमानदाराना नजरिए और कोशिश की वजह से ही आईसेक्ट आज तक अपनी बेहतर छवि को कायम रख सका है। शाला प्रबंधन समितियों के सशक्तिकरण के इस सिलसिले को मध्य प्रदेश के सभी संभागों तक ले जाने की आवश्यकता है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। सबको पढ़ाएं, चलो कुछ कर दिखाएं, चलो कुछ कर दिखाएं, सबको पढ़ाएं, चलो कुछ कर दिखाएं। करें शब्दों से यारी, करें शब्दों से यारी, किताबों को रिझाएं, किताब